डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल टेक रिपेयर गाइड में सोनी एलईडी टीवी मॉडल नंबर KLV32R412B जो 2014 में लॉन्च किया था उसको रिपेयर करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जब हम टीवी चालू करते हैं तो सोनी लिखा हुआ आता है और उसके बाद में बंद हो जाता है, फिर 6 टाइम एलईडी लाइट ब्लिंक करती है और हमारा टीवी बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 टाइम ब्लिंक करके बंद हो जाएगा। अब यही कंटिन्यू चलता रहता है, इसीलिए हम इसको रिपेयर करेंगे ये इस तरीके से। सबसे आसान और शॉर्टकट मेथड है, इसी मेथड से 100% प्रॉब्लम ख़त्म होती है और आगे भी किसी और टाइप की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्लिंकिंग से संबंधित। ये जो पिन हम आपको दिखा रहे हैं, ये इन पिन को शॉर्ट करना पड़ेगा। ये 4 पिन हैं जिनको हम शॉर्ट करेंगे और ये ड्राइवर आईसी है जो हमारा 10% ख़राब हो चुका है, 90% अभी तक सही है, तो हम ड्राइवर आईसी को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको चेंज करने के लिए कोई अभी ज़रूरत भी नहीं है और हमारा टीवी इसको चेंज किए बगैर ही चालू हो जाएगा, वो भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में हमारा टीवी सही हो जाएगा, हमें कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी इसके ऊपर। तो दोस्तों, अब हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे मेथड्स से रिपेयरिंग करना सिखा रहे हैं, हम हर चीज़ को रिपेयर करना सिखाएंगे। दोस्तों, अब हम इसके इन पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के लिए हम सोल्डिंग आयरन का हेल्प लेंगे। अब हम ये सोल्डिंग आयरन से इनको शॉर्ट करेंगे, ये पॉइंट इसके ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाले तीनों पॉइंट एक साथ और नीचे वाला राइट का फर्स्ट पॉइंट, इन तीन चारों पॉइंटों को एक साथ शॉर्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम शॉर्ट कर रहे हैं इनको, ये पॉइंट हमने एक शॉर्ट किया, उसके ऊपर वाला ये पॉइंट शॉर्ट किया, अब उसके बाद में ये पॉइंट शॉर्ट किया और अब ये हमारे तीनों पॉइंट हम शॉर्ट कर देंगे ऊपर के और इस तरीके से हमारा टीवी रिपेयर हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे आपको नई नोटिफिकेशन जो हम चैनल से डालेंगे वो भी आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह 32 इंच का टीवी है और बड़े ही ईजी तरीके से और बिना किसी खर्चे के हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री सही करना। दोस्तों, हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। और ये हमने शॉर्ट कर दिया है चारों पॉइंट को और अब हम इसको साफ़ करेंगे, जो हमने सोल्डिंग किया है उसको थिनर से या आईपी सॉल्यूशन से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने से उस पॉइंट पर जो भी डस्ट या कार्बन लगा है वो हट जाएगा, जिससे हमारा वो पॉइंट दूसरे पॉइंट शॉर्ट नहीं होंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इनको साफ कर रहे हैं, इस तरीके से साफ करेंगे। साफ करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि हमारे वो चारों पॉइंट शॉर्ट हैं या नहीं, या कोई रह गया है। हमने शॉर्ट चेक कर लिया, हमारे चारों पॉइंट शॉर्ट हैं जिनको हमने शॉर्ट किया है।
शॉर्ट करने से दोस्तों ये जो हमारा ड्राइवर है जो सेंस करता है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम को सेंस करके भी या किसी प्रकार का नमी भी आने से ना हमारा टीवी को ऑन नहीं होने देता। अब देखिए हमने ऑन किया टीवी को, ग्रीन लाइट, अब ये सोनी लिखा हुआ आया। और ये देखिए हमारा पूरा तरीके से टीवी सही हो चुका है और उसमें सभी प्रकार के जो भी डेमो आते हैं वो सब आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।